मैं डॉक्टर लोकेन आपसे आपको बताने वाला हूँ कि घर पर स्टेथोस्कोप का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि स्टेथोस्कोप का यूज क्यों करते हैं हम। जब लंग्स की हमें या फेफड़ों की हमें आवाज़ सुननी होती है, साउंड सुननी होती है यहाँ पर, तो हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपको एब्डोमिनल साउंड सुनने हो, जैसे किसी किसी को एसाइटिस वगैरह हो जाता है या डायरिया दस्त लग जाते हैं, तब हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं पेशेंट की अंदर जो एब्डोमिन में आवाज़ होती हैं उनको सुनने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये आपका चेस्ट पीस है, राइट, ये आपका बैक है और ये आपका कनेक्टिव है। यहाँ से ये कनेक्टेड चेस्ट पीस से ये ट्यूब कनेक्ट है, ठीक है, ये ट्यूब यहाँ से आपकी कनेक्ट हुई और ये आपके ईयरबड्स हैं, राइट। ईयरबड्स को हम देखिए, इसमें एक डिफरेंस होता है। ईयरबड्स आप ऐसे देखेंगे तो ये पेशेंट की साइड में जाना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है इस साइड में, तो ये पेशेंट की साइड होना चाहिए। हम इसको अपने कानों में लगाते हैं। अब कानों में लगाने के बाद अगर मैं इंटरस्टाइनल साउंड सुनना है मुझे, तो यहाँ पर प्लेस करेंगे। अगर यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये जो एरिया होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है, ये आपका अम्बिलिकस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, और ये वाला जो एरिया होता है आपका, ये बड़ी आंत का एरिया होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया होता है, राइट। अब अगर मुझे छोटी आंत की आवाज़ सुननी है तो क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा कि कानों में मेरे में आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चेक किया, आवाज़ ठीक से आ रही है। अब मैंने यहाँ प्लेस किया, थोड़ी देर हल्का सा प्रेस किया और इसको पकड़ के रखा, तो यहाँ पर शांति से एक क्वाइट रूम में देखूँगा कि मुझे अपने इस स्टेथोस्कोप से कानों में कुछ अलग आवाज़ आ रही है। अब जैसे पानी बहता है उस टाइप की आवाज़ आ रही है, अदर आवाज़ आए, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। अब मुझे मान लीजिए अगर लंग्स की आवाज़ सुननी है, मुझे फेफड़ों की आवाज़ सुननी है, तो ये आपकी लेटरल साइड होती है, ये एंटीरियर होता है, और अगर आप इसको ऐसे इधर से करेंगे तो ये पीछे का व्यू होता है, राइट, जो आपके पीछे का शोल्डर होता है उसका पीछे पोस्टीरियर व्यू। मुझे साइड से सुनना है, जैसे मान लीजिए किसी को अगर यहाँ पर प्लूरिशी वगैरह है, तो मैं यहाँ से सुनूंगा, राइट, यहाँ से कोई साउंड सुनूंगा, तो यहाँ मुझे क्लियर साउंड दिखाई सुनाई देगा। ये लेफ्ट साइड है तो हर्ट इस साइड सिचुएटेड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर्ट की आवाज़ भी सुनाई देती है। अगर आप यहाँ पर प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको लंग्स के पहले हर्ट की आवाज़ सुनाई देगी। ये यहाँ पर आप जैसे प्लेस करेंगे इस जगह पर, तो आपको हर्ट की आवाज़ सुनाई देगी इस तरीके से, राइट, लव डब लव डब। अब अगर मैं लंग्स की बात करें, लंग्स यहाँ पर सिचुएटेड है, लंग्स एंटीरियर भी यहीं पर है, बट मुझे यहाँ से सुनना है, तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके और शांत रूम में जाके ऐसे पेशेंट को चेक करेंगे, और इधर इसी तरीके से इस साइड में, ठीक है, ये राइट साइड है, इसी तरीके से। अब अगर आगे से हमें सुनना है, तो यहाँ पर रखेंगे, कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, या पेशेंट को घड़घड़ की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जब कफ जमा होता है, कफ जम जाता है, तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इससे हमें पता लग जाता है गड़र गड़र की आवाज़ आती है पेशेंट में उल्टे वालों पर। अब अगर हमें सुनना है, हाँ, अब अगर मान लीजिए हमें इधर से साउंड साफ से नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से सिचुएटेड करेंगे, इस जगह से क्लियर आवाज़ आएगी हमें इस तरीके से, ठीक है, मेरा हाथ उल्टा है, इस तरीके से हम प्लेस करेंगे, राइट, यहाँ पर आप सुनेंगे खांसी, किस तरीके की खांसी है, किस तरीके से आवाज़ आ रही है, या पेशेंट सांस ले रहा है तब कैसी आवाज़ आ रही है, या छोड़ रहा है तब कैसी आवाज़ आ रही है, यानी कि सांस लेते समय आपको आवाज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रिक्टेड हो रहा है, या फिर सांस छोड़ते समय उसको कोई परेशानी आ रही है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये सिचुएशन होती है आपकी लंग्स की आवाज़ सुनने की, राइट। अब हम पेशेंट को सीधा करते हैं, इस पेशेंट नॉर्मल है, ये पेशेंट, इस पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है। एक डेमो आपको बता रहा हूँ, एक मेरे पास कमेंट्स में आया था कि लाइव डेमो, यानी कि अगर पेशेंट को किसी को घर घर की आवाज़ आती है, तो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे स्टेथोस्कोप को घर पर। सो आई थिंक गाइज, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार रिव्यू करके ज़रूर देखें, और कमेंट में अगर आपकी कोई क्वारीज है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।